डॉलर का बुलंदी की जानिब सफर जारी। इंटर बैंक में डॉलर की कीमत में 83 पैसे का इजाफा। डॉलर 175 रुपए से तजावुज कर गया। डॉलर 174 रुपए 67 पैसे से बढ़कर 175 रुपए 50 पैसे पर पहुंच गया। महंगाई का जिन मसाला जात को भी निकल गया। रहीम यार खान में चावल और गरम मसाला की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। काली मिर्च की कीमत में 400 रुपए फी किलो का इजाफा। बड़ी इलायची की कीमत में भी 300 रुपए फी किलो का इजाफा। तमाम अकसाम के चावलों की कीमत भी 15 से 20 रुपए फी किलो तक बढ़ गई। कीमतों में होशरुबा इजाफे पर हर कोई परेशान। महंगाई ने गरीबों से छीन ली रजाई। सर्दी से बचना भी मुश्किल हो गया। देसी रुई की कीमत महंगाई की बुलंदियों को छूने लगी। गुज़श्ता साल 10,000 तक फी मन बिकने वाली रुई 18,000 रुपए तक पहुंच गई। महंगाई ने ताजिर और शहरी दोनों को परेशान कर दिया। गरीब की सर्दियां ठिठरते हुए गुजरेंगी। सर्दी आते ही लकड़ी की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। घरों में जलाने वाली लकड़ी की कीमतों में 100 रुपए फी मन का इजाफा। कीमतों में इजाफे ने दुकानदार का कारोबार ठप कर दिया। महंगाई ने शहरियों का बीपी शूट कर दिया। ब्लड प्रेशर मापने का आला भी महंगा। मैनुअल आला 900 रुपए से बढ़कर 1,000 रुपए का हो गया। शहरियों का महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा। डॉलर पंजाब हुकूमत के खजाने पर भारी पड़ गया। पंजाब हुकूमत पर कर्ज का मजमूई हजम 10 खरब से तजावुज कर गया। हुकूमत 3 माह में 78 अरब की मजीद मकरूज हो गई। 3 माह में पंजाब पर कर्ज की शरह में 8% इजाफा हुआ। पिछले माली साल जून में पंजाब पर कर्ज की शरह 9 खरब 55 अरब रुपये। जनूबी पंजाब के तरक्याती मनसूबों में नया इनकलाब। सेक्टर हाउसिंग एंड डेवलपमेंट जवेद अख्तर महमूद की सरबराही में इजलास हुआ। अजला के खत्ते के लिए 7 अरब 3 करोड़ की 393 स्कीमें मंजूर। लैया में जच्चा बच्चा की सेहत के लिए ऐसे इकदाम। 200 बेड्स के मदर एंड चाइल्ड अस्पताल मनसूबे का आगाज। मौबिन खसूसी वज़ीर-ए-आला पंजाब सैयद रफाकत गिलानी और डेप्टी कमिश्नर अज़बरज़ियान ने संग बुनियाद रखा। सैयद रफाकत गिलानी ने कहा कि 2 साल में 5 अरब 73 करोड़ की लागत से मनसूबा मुकम्मल होगा। शराह खानदगी में इजाफे की जानिब एक और कदम। मियांवाली में 60 की नालराजी पर डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल बनेगा। डिप्टी कमिश्नर फरम शहजाद की पेपर वर्किंग जल्द मुकम्मल करने की यकीन दहानी। रवा माली साल में तामीरी काम शुरू करने की नवीद भी दी। आवाम की सेहत का ख्याल अव्वलीन तरजीह। इंतजामिया मुल्तान की जानिब से हेल्थ प्रोजेक्ट्स की इंस्पेक्शन का आगाज। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर का बर्न यूनिट का दौरा। मुख्तलिफ शोबों की इंस्पेक्शन की और सहूलत का जायजा लिया। वादे किए पर वफा नहीं किए। डीडी खान में फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ग्राइंडिंग चार्जेस और फी बॉडी कोटा बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। मुतालबा तस्लीम ना होने पर 23 नवंबर से हड़ताल का इंतजाम। सयाहों को तफरी का सामान तैयार। छुट्टी छठी थल जीप रैली की तैयारी आखिर मराहल में दाखिल हो गई। डिप्टी कमिश्नर अशफर जा का थल मेले की जगह का दौरा। ट्रैक और इंतजाम का जायजा। मुतलका अफसरान इंतजाम बारे ब्रीफिंग। सर्दियों में एलएनजी की कमी। गैस बहरान मजीद बढ़ने का खदशा। दिसंबर में एलएनजी की फ्राहमी में 83 एमएमसीएफटी कमी का तखमीना। जनवरी में 19 एमसीएफटी कमी का तखमीना। मुल्तान की मारूफ वल्ला मंडी को पार्किंग मिसाल से मिला छुटकारा। मंडी को पहली बार मिला सरकारी पार्किंग स्टैंड का सहारा। इंतजामिया ने तजावजात को हटाकर पार्किंग स्टैंड कायम कर दिया। मुल्तान शाह अम्बवाला में सीवरेज का निजाम दरहम बरहम। तफून के बायस बच्चों में मुतादिद अमराज फैलने लगे। डेंगू का खदशा भी सर उठाने लगा। शाम में सीवरेज का पानी घरों में दाखिल होने का भी शिकवा। शहरी इंतजामिया के हरदर्मी के खिलाफ फट पड़े। इंतजामिया से सीवरेज मसाइल के फौरी हल का मुतालबा। साबिक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की खाली रिहाइश का रिक्शा स्टैंड में तब्दील। महकमा हेल्थ और जिला इंतजामिया मियांवाली कब्ज़ा माफिया के सामने बेबस। गुंजानाबाद इलाकों में गैर कानूनी बस अड्डों रिक्शा स्टैंड की भरमार। शहरियों का आला अफसरान से कार्रवाई का मुतालबा।
कबीरवाला पुल बागड़ को मुल्तान से मिलाने वाली सड़क तोड़फोड़ का शिकार, जा बचा पड़े गढ़ों ने शहरियों की जिंदगी अजीर्ण कर दी। ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। पेशाब हुसैनाबाद रोड मसालिस्तान में तब्दील, दोपहर के औकात में मसरूफ तरीन रोड से ट्रैफिक अहलकार गायब। 7 स्कूलों में एक ही वक्त में छुट्टी से बेहंगम ट्रैफिक, शहरियों का अरबाब इख्तियार से ट्रैफिक मसाइल के हल का मुतालिब। आने वाले स्टेशन चौक था आरसीए चौक की अपग्रेडेशन इल्तवा का शिकार, गर्दो गुबार से शहरी सांस और दीगर बीमारियों का शिकार होने लगे। ठेकेदार पत्थर और मिट्टी डालकर गायब, शहरियों का एहतजाज, इंतजामिया से फौरी सड़क की तामीर का मुतालिब। ऐसे ही रहीमियर खान का मुबैना नारवा सलूक, मेप्टो हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन का दूसरे रोज भी एहतजाजी धरना। सब डिवीजन लियाकतपुर ऑफिस में कलम छोड़ हड़ताल, एसी के तबादले तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल अवान की डीआईजी मोटरवे फिदा हुसैन से मुलाकात, मोटरवे के हिफाजती इकदाम बारे तबादला ख्याल किया। खादों के महंगे दामों फरोख्त की शिकायत, मियां वाली इंतजामिया महकमा ज़राअत और पुलिस का छापा, गोदामों से मुख्तलिफ खादों के 4,426 बैग बरामद। उधर कहड़ पक्का के गोदामों से 1,860 बोरियां खाद बरामद, इंतजामिया ने मौका पर ही खाद की सरकारी लिफ्ट पर फरोख्त शुरू कर दी। कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर शाद अहमद का दुनियापुर का दौरा, डिप्टी कमिश्नर ट्रैवल के हमराह राजी सेंटर दही माले मरकज का मुआयना किया, शहरियों से मुख्तलिफ काउंटर्स पर जाकर सहूलियात बारे इस्तफसार किया। रहीमियार खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का पॉइंट ऑफ सेल बनाने पर तहफ़ुज़ात का इजहार, सदर चैम्बर जावेद इरशाद ने कहा कि हुकूमत और दादरों के दरमियान चैम्बर पुल का किरदार अदा कर सकता है। दादरों के साथ ज्यादती रवा रखने पर 30 नवम्बर के एहतजाज में शामिल होने का इंदिया दे दिया। अकलियती तलबा का डाटा इकट्ठा किया जाए, मुल्तान समेत सूबे भर के सीओस के अहकाम, डीएस स्कूल पढ़ने वाले अकलियती बरादरी के बच्चों को कवायफ इकट्ठा करें। जनूबी पंजाब में कैंसर के मरीजों के इलाज में बड़ी पेशरफ्त, सर्विकल कैंसर स्क्रीनिंग टेक्नोलॉजी का होगा इस्तेमाल। निश्तर यूनिवर्सिटी और वुहान लैंडिंग इंटेलिजेंस मेडिकल हाईटेक कंपनी लिमिटेड चाइना के मबैन एमओयू साइन। रेस्क्यू 1122 का स्पोर्ट्स गाला, अलीपुर और शहरी सुल्तान के रेस्क्यूज के मबैन क्रिकेट मैच हुआ, अलीपुर ने एक विकेट के नुकसान पर मैच अपने नाम कर लिया। उधर मियांवाली रेस्क्यूअर्स का भी स्पोर्ट्स गाला, 4 टीमों ने अपने अपने जोहर दिखा। गवर्नमेंट हाई स्कूल जफ़रकर के सालाना स्पोर्ट्स मुकाबले, रस्साकशी दौड़, वॉलीबॉल और कबड्डी के मुकाबले हुए। सीटीएम हाई स्कूल ने दौड़ में पहली पोजीशन हासिल की, स्पोर्ट्स गाला 24 नवंबर तक जारी रहेगा। बच्चों के आलमी दिन की मुनासबत से तकरीब हुई, टीजी नादरा ने एसओएस विलेज में बच्चों का आलमी दिन मनाया। बच्चों के आलमी दिन की मुनासबत से केक काटा, टीजी नादरा ने बच्चों में तहफ भी तकसीम की।